बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर ब्यूटी वीडियो एंड वेलकम टू उम्मी ब्यूटी। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक वाइटनिंग मास्क। और आज मैं आप लोगों के साथ किसी ब्यूटी क्रीम के ऊपर वीडियो नहीं शेयर कर रही, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वाइटनिंग मास्क। और ये है बोटैनिकल वाइटनिंग मास्क। मेरे पास है डर्माकॉस का वाइटनिंग मास्क और मैं आप लोगों के साथ डर्माकॉस के और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, जैसा कि डर्माकॉस की फेशियल किट, डर्माकॉस की क्रीम और आज है मेरे पास डर्माकॉस का वाइटनिंग बोटैनिकल मास्क। मज़ीद वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं आप लोगों के साथ इसकी प्राइस, इसका तरीका इस्तेमाल शेयर करूँगी। इस बोटैनिकल मास्क को पील ऑफ मास्क भी कहते हैं, क्योंकि जब इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद जो रिमूव करने का तरीका होता है वो पील ऑफ तरीका होता है। जिस तरह से चारकोल मास्क को आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके पील ऑफ करके रिमूव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इस वाइटनिंग बोटैनिकल मास्क को इस्तेमाल अप्लाई करने के बाद आपने इसको पील ऑफ करके रिमूव करना है। और ये जो मेरे पास वाइटनिंग मास्क है ये पाउडर फॉर्म में है, इसके अंदर पाउडर है वाइटनिंग। उसके अंदर आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर आपने सिंपल पानी ऐड करने के बाद आपने इसका मिक्सचर बनाना है, और मिक्सचर बनाने के बाद आपने इसको अप्लाई कर लेना है। आप इसकी बैक साइड भी देख लें, बैक साइड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। सॉफ्ट रबराइजिंग पील मास्क विद बोटैनिकल स्किन, इसके डायरेक्शन और इसके इंग्रेडिएंट भी उन्होंने लिखे हुए हैं। आप इसको 3 से 4 टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आपने इसको ओपन कर लेना है तो आपने इसको किसी कूल और ड्राई प्लेस के ऊपर रखना है। अब बात करती हूँ इस डर्माकॉस बोटैनिकल मास्क की प्राइस की, तो मैंने 400 रुपीज़ में इसको परचेज़ किया है। ये एक वाइटनिंग मास्क है, प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब है। और आपने क्या करना है कि इसको परचेज़ करने के बाद 3 to 4 टाइम्स आप इसको इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने 1 स्पून पाउडर का लेना है और आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है, और आपने इसको ना ही इतना ज़्यादा पतला करना है और ना ही इतना ज़्यादा थिक करना है। इसका पेस्ट इस तरह से होना चाहिए कि आपकी स्किन के ऊपर ईजीली ये अप्लाई हो सके, और इसको ड्राई स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसके वाइटनिंग वाले रिज़ल्ट हैं। डर्माकॉस की और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो डर्माकॉस का बोटैनिकल वाइटनिंग मास्क है, इसका नेट वेट भी उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है 30 ग्राम। इस डर्माकॉस के बोटैनिकल वाइटनिंग मास्क के अंदर लाइटनिंग और ब्राइटनिंग एजेंट्स मौजूद हैं, जो कि आपकी स्किन को लाइटनिंग करने में अहम किरदार अदा करते हैं और आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाते हैं। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्किन का कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। 1 वीक के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलरली आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आफ्टर अ 1 वीक यू कैन यूज इट। इस डर्माकॉस के वाइटनिंग बोटैनिकल मास्क के अंदर जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो भी टाइटन होगी, और आपकी स्किन जो है उससे डलनेस रिमूव होगी, डर्ट, इम्प्योरिटीज़, हर चीज़ आपके फेस के ऊपर से क्लीन हो जाएगी, और आपके फेस की जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन, यंग और ब्यूटीफुल नज़र आएगी। इस डर्माकॉस के वाइटनिंग बोटैनिकल मास्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया है, और ट्रिपल एक्शन इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यूज़ किए हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपकी स्किन को मेंटेन करते हैं। और जो ये डर्माकॉस का मास्क है, जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और नेचुरल सी लगेगी। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ बताएं जिससे स्किन की जो लुक है वो नेचुरल लगे, और ऐसा महसूस हो कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये डर्माकॉस का वाइटनिंग बोटैनिकल मास्क बिल्कुल नेचुरल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जब आपने इसको अप्लाई कर लेना है अपनी स्किन के ऊपर, तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट महसूस होगी, और पील ऑफ करने से अगर रिमूव ना हो तो आप सिंपल वाटर से अपने फेस को रिमूव कर लें। इसके बाद आपने कोई भी सोप वगैरह या फिर फेस वॉश का अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना इस डर्माकॉस के वाइटनिंग बोटैनिकल मास्क को इस्तेमाल करने के बाद। इस डर्माकॉस के बोटैनिकल मास्क को आप 15 to 20 मिनट तक अपने फेस के ऊपर लगा रहने दें, उसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं।
ये डर्माकास का वाइटनिंग बोटैनिकल मास्क सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसको बॉयज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको गर्ल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी और आपकी स्किन जो है इससे रिपेयर भी होगी। इस डर्माकास के बोटैनिकल मास्क के अंदर लाइट वेट पाउडर है जो कि आपकी स्किन के ऊपर से एजिंग और डलनेस को भी रिमूव करता है, और अगर आपकी स्किन अन ईवन और स्पॉटेड है तो तब भी आप इस डर्माकास के बोटैनिकल मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो उसकी जो लेयर्स हैं वो भी टाइट होंगी और साथ ही साथ आपके फेस के ऊपर से ये फ्रैकल्स और ब्लेमिशेस को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट ग्लो देता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैंने एनालिटिक्स देखे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, विदाउट सब्सक्राइब ही वीडियोस को वॉच करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी शिकायत को दूर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सन ब्लॉक, और मेरे पास है ये रिवाज यूके का सन ब्लॉक, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी बहुत जल्द। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काइंडली रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।